नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, कुकर में ही तेल ले लिया था। अभी मैं पहले पनीर को फ्राई करूँगी, तो उसके लिए मैंने तेल गर्म होने पर पनीर इसमें ऐड कर दिया है। अब पनीर को अच्छे से फ्राई कर लेना है। पनीर फ्राई होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और जो तेल बचेगा उसी में थोड़ा सा जीरा, टमाटर, प्याज, आलू, जो भी हमारे पास वेजिटेबल्स है सब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है आलू, टमाटर, प्याज, मटर और जो है पनीर। तो सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले, क्योंकि सब्जियों को अच्छे से भून लेने के बाद पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ मटर ऐड कर दिए है। तो सारी वेजिटेबल्स अच्छे से भून जाने के बाद इसमें मैं पनीर ऐड करूँगी, क्योंकि पनीर मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है मैं चावल ऐड कर दूँगी और जो भी हमारे पास बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी मसाले हैं वो सब मैं डाल दूँगी। उसके बाद जो है पानी डालकर, जितना भी पानी ऐड करना है, कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसको मैं एक सीटी आने तक पकाऊंगी। उसके बाद जो है हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। पर बच्चे चले गए हैं स्कूल और सारा काम मेरा हो गया है, क्लीनिंग वगैरह, झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो अभी मैंने ये चावल फैला दिए हैं, क्योंकि चावलों में ये सुरहरी हो गई थी और इसके लिए मैंने पाउडर भी मंगवाया है, बोरिक एसिड पाउडर। तो ये जो है मैंने चावल फैला दिया है, तो ये अपने आप निकल जाएगी। उसके बाद जो है मैं चावलों को अच्छे से साफ करके और जो ये पाउडर मंगवाया है इसको इसमें मिक्स कर दूंगी चावलों में। जैसे डिब्बे में थोड़े थोड़े चावल डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा जो है पाउडर, फिर चावल, फिर पाउडर, तो ऐसे मैं डिब्बे में पहले चावलों को साफ़ कर लूंगी और डिब्बे में डाल के रख दूंगी। और इस पाउडर का मैं प्राइस बता देती हूँ, तो ये 52 रुपये का कुछ ऐसा आया है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और इससे जो है कीड़े नहीं पड़ते हैं चावलों में और सुरहरी वगैरह कुछ नहीं होती है, तो चावल बिल्कुल साफ रहेंगे। ये पाउडर हमारे गांव में भी यूज करते हैं, तो इससे जो है चावल बिल्कुल साफ रहते हैं, कीड़े वगैरह कुछ नहीं पड़ते हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। बस चावलों को जब भी बनाते हैं अच्छे से धोने के बाद आप बना सकते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान नहीं होता है। और इस पाउडर का प्रयोग मैं दो तरह से करूँगी, पहला चावलों के लिए, दूसरा कॉकरोच के लिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आटा ले लूँगी, इतना ही आटा लेना है और इतना ही जो है पाउडर लेना है। तो दोनों को आटे की तरह लगा लेना है और जो है छोटी छोटी गोलियाँ बनानी है और जहाँ पर भी आपको कॉकरोच दिखाई देते हैं वहाँ पर रख दीजिए, उससे जो है कॉकरोच नहीं आएंगे।
कॉकरोच जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे घर से। और आज का वेदर देख लीजिए, आजकल मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहे हैं और कभी जो है बारिश शुरू हो जाती है। तो कई दिनों से बस ऐसा ही चल रहा है। और आज कल मैंने ये कपड़े धोए थे और अभी तक सूखे नहीं हैं, तो मैंने अभी ये दोबारा से डाल दिए हैं। और अभी आज के भी कपड़े पड़े हैं तो वो भी धोने हैं आज मुझे। तो बस मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। और कपड़े आज ज़्यादा नहीं हैं, कल मैंने धो दिए थे, तो ये आज के हैं। तो बच्चों की ड्रेस है और एक एक जोड़ी घर के जो कपड़े होते हैं वे है, तो मैं आज हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े। और अभी पहले मशीन से धोते थे तो हाथ से धोने की आदत बिल्कुल छूट गई है, बहुत मुश्किल होती है अब हाथ से धोने में। पहले तो मैं लग गई हाथ से धोने में, मैंने कहा चलो थोड़े है कपड़े धो देती हूँ, लेकिन जब धोने लगी फिर सोचने लगी इससे अच्छा तो मशीन में डाल देती। तो चलो अब मैं लग गई हूँ तो इनको धो ही लेती हूँ फटाफट से। और सही में आदत बिल्कुल छूट गई है हाथ से कपड़े धोने की, मशीन की आदत हो गई है। और आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है, कपड़े सूखते ही नहीं है एक दिन में। तो चलिए धो लेते हैं फटाफट से कपड़े। तो बस मैं यहाँ पर जो हल्के फुल्के कपड़े हैं उनको हाथ से मसल कर धो दूँगी, और जो हैवी होते हैं थोड़े पैंट शर्ट वगैरह उनको जो है ब्रश मार कर धोऊँगी। तो बस यहाँ पर कपड़े मैंने धो दिए हैं, अब जो है इनको मैं पानी में से निकाल दूंगी, और जो पानी बचता है कपड़े धोने के बाद उससे जो है मैं बालकनी साफ़ कर दूंगी। उसके बाद मुझे जाना है मार्केट,
मार्केट में मुझे कुछ काम है और तब तक बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा, तो आते टाइम बच्चे मेरे साथ ही आ जाएंगे। तो बस मैं पहले कपड़ों का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी।